भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दखल न्यूज से खास बातचीत करते हुए रविंद्र साहू झूमरवाला ने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, सभी इस बार बदलाव चाहते हैं। मैं चुनाव जीता तो सबसे पहले घर घर नर्मदा जल पहुंचाऊंगा। भोपाल की गोविंदपुरा सीट में चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भाजपा की मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। रविंद्र साहू झूमरवाला क्षेत्र में गलियों गलियों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों की समस्या सुन रहे हैं। रविंद्र साहू झूमरवाला ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, भाजपा ने झूठे वादे कर लोगों को छला है। मैं चुनाव जीत कर सबसे पहले घर घर नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। गोविंदपुरा विधानसभा से जो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है रविंद्र साहू झूमरवाला, आइए उनसे जानते हैं कि वह जनसंपर्क के दौरान उनको कैसा समर्थन मिल रहा है। जी कैसा समर्थन? अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता में त्राहिमान त्राहिमान मचा हुआ है, पूरा जनता ने इस बार परिवर्तन का बदलाव का मन बना लिया है। जी किस तरह की समस्या निकल के आ रही है जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं लोग? सड़क, पानी, सिवेज, सुरक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके, सरकारी अस्पताल को लेके, बहुत सारी जन समस्याओं से हमें अवगत कर, नाले, छोटी छोटी जगहों में नाले तो ऐसे बह रहे हैं जैसे रोड, जैसे ये घर और सामने नाले बह रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं, विकराल रूप ले रही हैं। बारिश में लोग बताते हैं 10-10 फीट तक पानी आ जाता है। अपने प्रतिद्वंदी को कितना चुनौती मानते हैं आप? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन यहाँ पे बहुमत प्राप्त करता है, कौन गोविंदपुरा जीतता है। मेरे लिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन ये जरूर मतलब कि 50 साल जनता की सेवा के झूठे वादे करके आपने जनता को छला है, और मैं जनता के घर जा जाके जनता को ये बताऊंगा कि आप लोगों को छला गया, इस बार आप हमारे साथ आइए, हम आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा कार्य करेंगे? नर्मदा जी का जल घर घर पहुंचाऊंगा। तो ये थे रविंद्र साहू झूमरवाला, जिनका कहना है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो नर्मदा जी का जल घर घर पहुंचाएंगे। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। फिर है रंग की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।